और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है। सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक शख्स ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि 35 मिनट में दो बार सुरक्षा में चूक हुई है। पंजाब के होशियारपुर में ये सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस का अजीब बयान निकलकर सामने आया है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब में निकलने के दौरान पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आया है। और अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास। सर, ये सुरक्षा चूक में मामला सामने आया है, जो शख्स है वो गले लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन है ये और क्या बयान सामने आया कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल चेतन, पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो रैली है वो रैली चल रही थी, उसी दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स जो है वो राहुल गांधी की सुरक्षा घेरे को तोड़कर वो बेहद करीब पहुंच जाता है और जाकर राहुल गांधी को बहुत टाइट हग देने की कोशिश करता है। और ये एक बार नहीं होता बल्कि ये दो बार होता है। तो ये सुरक्षा चूक में ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से जब हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली कर रहे थे, तब एक शख्स जो है वो हार लेकर मोदी के काफ़ी करीब पहुँच गया था और तब वो मामला इतना बड़ा हुआ था कि उस शख्स को पकड़ने के बाद में जांच की गई, पूछताछ की गई कि कौन है, किस इरादे से आया था। उसके बाद पता चला कि वो एक फैन था और जो पीएम मोदी को भगवान बता रहा था। लेकिन खैर वो दूसरा मामला, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का ये मामला जो है कई तरीकों से, अलग अलग तरीकों से ये अहम हो जाता है। पहला मामला तो ये कि सुरक्षा में चूक हुई है, राहुल गांधी सुरक्षित रहें ऐसा हम चाहते भी हैं और ऐसी हम कामना भी करते हैं, इसलिए सुरक्षा में चूक तो कतई होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस चूक के बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि जिस शख्स ने राहुल गांधी को दो बार हक करने की कोशिश की, दो बार उन्हें गले लगाने की कोशिश की, वो शख्स जो है वो बुरा आदमी नहीं था, उसकी मंशा जो है राहुल गांधी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। तो ये जो बयान आया ये आया है अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का, जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब ये अध्यक्ष है, और मैं इनका नाम बार बार लेकर क्यों कह रहा हूँ, ये वही वडिंग है जिनको राहुल गांधी के करीब जाने को लेकर, राहुल गांधी की जो सुरक्षा में सिक्योरिटी में जो लोग तैनात थे इन्हीं को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था तब, जिस घटना का वीडियो भी सामने आया था। और तब ये माना गया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा जो है वो इतनी कड़ी है कि इनको भी जो है शायद इनको एंट्री नहीं मिली या इनको पहचाना नहीं, वो अलग लेवल पर चीज़ें गई थी। लेकिन सुरक्षा का ये मामला और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया ये बयान एक और मायने में खास हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तब बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्र लिखा गया था गृह मंत्रालय को और यह कहा गया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में बार बार चूक हो रही है, उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए, और सीआरपीएफ पर कहीं ना कहीं निशाना साधा गया था, जिसके बाद में सीआरपीएफ तक का इस पर बयान आया था जिसने ये कहा था कि हमने सुरक्षा में कहीं से कोई ढिलाई नहीं बरती, बल्कि राहुल गांधी खुद ही जो है बार बार सुरक्षा घेरा तोड़कर जो है जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करके उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप दो मौकों को एक साथ आप जोड़िए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सुरक्षा घेरे में जो सुरक्षा होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, सुरक्षा में चूक हो रही, राहुल गांधी की जान को खतरा है, गृह मंत्रालय पर सवाल उठाए गए, सीआरपीएफ पर सवाल उठाए गए। दूसरा मामला यह है जिसमें बैक टू बैक आधे घंटे के भीतर जो है एक शख्स जो है दो बार गले लगाने की कोशिश करता है, जांच की मांग किए बगैर खुद से ही ये कह देना कि उसका इरादा ये नहीं था, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का स्टेटस होता है, खासतौर पर जब गांधी परिवार की आप बात करते हैं, आप योगी आदित्यनाथ, मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों के की सुरक्षा को तो आप छोड़ दीजिए, खैर इनके ऊपर तो बहुत हाई रिस्क रहता है, हाई थ्रेट हमेशा रहता ही है, इनकी सुरक्षा तो हाई एंड होती है, लेकिन जब बात गांधी परिवार की आती है तो गांधी परिवार में इससे पहले जो है खासतौर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इसी तरह के हमलों में, लगभग इसी तरह के हमलों में, क्योंकि इंदिरा गांधी की भी उनकी भी मौत इसी तरीके से हुई, राजीव गांधी की जान भी ऐसे ही गई, तो इसलिए गांधी परिवार की सुरक्षा भी कई मामलों में अहम हो जाती। तो ऐसे में होना ये चाहिए था कि अमरिंदर सिंह, उनको इस मामले की जांच की मांग करनी चाहिए थी खुद ही ये कहने के बजाय कि वो शख्स जो है उसका इंटेंशन खराब नहीं था, क्योंकि किसी का इंटेंशन क्या आप कैसे जज कर सकते हो, वो तो जो जांच एजेंसियां हैं, जो उनका प्रोटोकॉल होता है, जो उनका एक तरीका है, क्योंकि आपको याद होगा कि द्रौपदी मुर्मू के साथ भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था राजस्थान में, जहां पर एक लेडी जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पास बेहद करीब पहुंचकर उनके पैर छू लेती है, उसके बाद भी उस लेडी को जो है उठाया जाता है और उसके बाद में उससे पूछताछ की जाती है, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तब तक फाइल क्लोज नहीं होती है कि भाई कौन था और किस इरादे से आया था। लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वो लड़का था, उसकी नीयत खराब नहीं थी,
तो ये दो अर्थी जो बयान है, एक दिल्ली में अलग तरीके का स्तर आपका वैचारिक स्तर है और पंजाब में जो हाल ही घटना घटी उसमें आप अलग तरीके का बयान देते हैं, तो इन बयानों का विरोधाभास जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा गफलत में डालने वाला काम जरूर करता है यहाँ पर। अब उन्होंने ऐसा तुरंत अचानक से क्यों कह दिया कि उसके मंशा ये नहीं थी, उनका क्या इरादा था, उस पर वो आगे बोलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये समझिए कि पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में आधे घंटे के भीतर बड़ी चूक हुई है। दिल्ली में इस तरह की चूक जबकि नहीं हुई थी, चूक तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था, लेकिन ये चूक जो है कि बिल्कुल आकर हग ही कर लेना, गले ही लगा लेना, ये अपने आप में एक किसी भी सुरक्षा की चूक का मेरे ख्याल में एक पराकाष्ठा ही हो सकती है कि इस तरीके से बिल्कुल करीब आके किसी बंदे को, इस तरीके से सेलिब्रिटी को गले लगा ले, खासतौर पर गांधी परिवार के या जो पॉलिटिकल लोग हैं हमारे। तो कुल मिलाकर इसमें यही देखना पड़ेगा कि आगे इस पर जो है किस तरीके से बीजेपी रिएक्ट करती है, लेकिन ये दोनों बयानों का विरोधाभास जो है वो कई लोगों को कन्फ्यूज जरूर कर गया है। जी चेतन जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को एक शख्स जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, सुरक्षा घेरे से उसे हटाया जाता है, जो शख्स उनको जबरदस्ती गले लगा रहा है, उसके बाद पार्टी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि वो उनका फैन था, वो उन्हें सिर्फ मिलने आया था, वो उनका प्रशंसक है, तो उसे हटाया क्यों जाता है, ये भी सवाल उठकर खड़े होते हैं कि किस तरीके से हटाया जा रहा है। ये भी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा घेरों में जो लोग लगे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, वो उनसे हटा देते हैं। दूसरी तरफ ये भी आपको हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जब राहुल गांधी थे तो पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी गृह मंत्रालय को कि उनको लगातार सुरक्षा में उनको चूक हो रही है। सीआरपीएफ की तरफ से बयान आता है कि वो लगातार जो राहुल गांधी हैं वो सिक्योरिटी लैप्स करते हैं, वो खुद ही जानबूझकर सिक्योरिटी से बाहर जाते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। 113 बार उन्होंने सिक्योरिटी का उल्लंघन किया है, ये भी सीआरपीएफ ने जवाब में कहा था पत्र के। तो ये बात अब निकलकर सामने आती है, दो बयान जो हैं ये हैरान कर देने वाले हैं और बेहद अजीब बयान कांग्रेस तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, ये भी अब पता चलता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।